सहरसा जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक द्वारा मणिपुर में हो रहे जुल्म बलात्कार और हिंसा के खिलाफ वीर कुंवर सिंह चौक पर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका गया। वहीं पार्टी के जिलाध्यक्ष रंजन यादव ने कहा, मणिपुर में दो लड़कियों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आत्मा को नग्न दबोचा गया है। मणिपुर में दो लड़कियों के साथ जो हुआ उस पर फौरन देश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज के हिंदुस्तान में रूह कपा देने वाली वो दरिंदगी है जिसकी आज से राज्य और केंद्र सरकार अपना दामन नहीं बचा सकते। वहीं प्रदेश सचिव कमलेश यादव और उमेश यादव ने कहा कि मणिपुर की घटना में अमृतकाल की पोल खोल दी है। ये विश्व काल ही तो है जहां कारगिल युद्ध में देश के लिए जंग लड़ चुके और श्रीलंका में भारतीय शांति रक्षक बल में सेवा देने वाले जवान की पत्नियों को उपद्रवियों ने निर्वस्त्र किया है। पूरी दुनिया इस ढोंग काल के परिणाम को देख रही है। युवा परिषद के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि मणिपुर में लोकतंत्र, लोकराज व विश्वास संस्कृति और सौहार्द संवाद और मानवता का सरेआम कत्ल हो गया है। इन लोगों को प्रेम, सौहार्द, इंसानियत, सामाजिक एकता एवं भारतीय सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है वो शर्मनाक है। छात्र परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश निराला और मनीष यादव ने भी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि मणिपुर की वारदात बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। आज पूरे बिहार में हम लोग जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और अमित शाह का पुतला दहन कर रहे हैं। लगातार मणिपुर में जो घटना घट रही है उपद्रवियों के द्वारा, और ये कितनी शर्म की बात है जो एक और सामाजिक तत्व के भी महिलाओं को नंगा करके रोड पर घुमा रहा है और 17 वर्ष के लड़कियों के साथ बलात्कार करना खेत में ले जाकर, और सरकार इस पर मौन साधी हुई है। ये इतनी शर्मनाक बात है आज भारत के लिए जो कि कहने पे हम लोगों को शर्म आ रहा है। यह केंद्र की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये लगातार महिलाओं का शोषण हो रहा है, किसानों की हत्या हो रही है और सभी लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार चुपचाप अपना मौन धारण किए हुए है। इसीलिए पूरे बिहार में हम लोग अमित शाह का पुतला जलन कर रहे हैं। जब तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करता है, लगातार इस देश को जब तक हम लोग इससे निकम्मी सरकार से हटा नहीं देंगे, हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। नारियों के सम्मान के लिए पप्पू यादव लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, और ये मणिपुर की घटना सिर्फ मणिपुर की घटना नहीं है, ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है कि आज भारत जैसे लोकतंत्र में इतनी शर्मनाक घटना हो रही है और केंद्र सरकार के चुप्पी साधी हुई है। इसीलिए आज हम लोग केंद्र सरकार के विरोध में पुतला दहन कर रहे हैं और अमित शाह को चेतावनी देते हैं कि ये हिटलर शाही करना बंद कीजिए, क्योंकि आने वाला चुनाव 24 में आपको और आपके पार्टी का अवकाश बता के ही रखेगी जनता। इसीलिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं।